नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों आज की वीडियो है 23 अप्रैल 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर एक है, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो ये किसने जीता है? डी गुकेश ने। तो डी गुकेश ने कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर टू है, प्रत्येक वर्ष किस तारीख को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है? तो विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस हर वर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है। तो विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है और इस बार 2024 की थीम रखी गई थी रीड यूअर वे। तो ये इस बार की थीम रखी गई। क्वेश्चन नंबर थ्री है, भारतीय नौसेना की पूर्वी नौसेना कमान ने ईस्टर्न वेव अभ्यास आयोजित किया, पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्वी कमान का मुख्यालय है विशाखापट्टनम में। तो विशाखापट्टनम में है भारतीय नौसेना की पूर्वी नौसेना कमान का मुख्यालय। तो भारतीय नौसेना ने पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के नेतृत्व में पूर्वी समुद्र तट पर अभ्यास पूर्वी लहर का आयोजन किया और इसका उद्देश्य क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय नौसेना की तैयारियों का मूल्यांकन करना है। तो ये इसका उद्देश्य। पूर्वी नौसेना कमान भारतीय नौसेना की तीन कमांड स्तरीय संरचनाओं में से एक है और इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर फोर है, प्रथम अंतरराष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? जो पहला अंतरराष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन है तो इसका आयोजन नेपाल में किया गया था। तो सी ऑप्शन, नेपाल में प्रथम अंतरराष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इसका उद्देश्य था देश को दक्षिण एशिया में यौन अल्पसंख्यक समुदाय के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर फाइव है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का प्रमुख नलिन प्रभात। तो नलिन प्रभात को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में आईपीएस नलिन प्रभात को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश कैडर के 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं नलिन प्रभात और वर्तमान में ये सीआरपीएफ में अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर कार्यरत हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, अप्रैल 2024 में अभ्यास पूर्वी लहर एक्सरसाइज पूर्वी लहर का आयोजन किसने किया? तो अभ्यास पूर्वी लहर का आयोजन भारतीय नौसेना द्वारा किया गया। तो भारतीय नौसेना द्वारा अभ्यास पूर्वी लहर का आयोजन किया गया। डिटेल जान लेते हैं। तो भारतीय नौसेना ने 20 अप्रैल 2024 को पूर्वी समुद्री तट पर अभ्यास पूर्वी लहर का आयोजन किया। पूर्वी लहर का उद्देश्य है, जो ये अभ्यास पूर्वी लहर है, इसका उद्देश्य है क्षेत्र की समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय नौसेना की तैयारियों का आकलन करने के लिए प्रक्रियाओं को मान्य करना। भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारतीय नौसेना को तीन कमानों में विभाजित किया गया। पश्चिमी नौसेना कमान जिसका मुख्यालय है मुंबई में, पूर्वी नौसेना कमान इसका मुख्यालय है विशाखापट्टनम में और दक्षिणी नौसेना कमान का मुख्यालय है कोची में। क्वेश्चन नंबर सेवन है, त्रिशूर पूरम कहाँ मनाया जाता है? तो जो त्रिशूर पूरम है ये केरल में मनाया जाता है। तो केरल में त्रिशूर पूरम मनाया जाता है। तो त्रिशूर पूरम उत्सव भारत के केरल राज्य के त्रिशूर में मनाया जाने वाला एक वार्षिक मंदिर उत्सव है और हर साल पूरम दिन पर
जब मलयालम कैलेंडर के मेडम महीने में चंद्रमा पूरम तारे के साथ उगता है, तो यह त्रिशूर के वाडकुनाथन जो कि एक शिव मंदिर है वहां पर ये उत्सव मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हर साल किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो हर साल 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 2024 की थीम रखी गई है, प्लानेट वीएस प्लास्टिक। तो दोस्तों ये हो गए आज 23 अप्रैल 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट में, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम में दिया जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जा रखा है, या आप डायरेक्टली टेलीग्राम में भी सर्च कर सकते हैं जरधारी क्लासेस, और आप वहां पर टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।